इवनिंग कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम अनिमेश और अब हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन जिन्होंने पूरे दुनिया को हिला दिया है, नन अदर देन राखी सावंत के साथ। जी हां, उन्होंने आज कहा कि अगर सुसाइड अटेम्प्ट्स को आपको कम करवाना है तो आपको अपने घर से सीलिंग फैंस को कम कर देना होगा, यानी कि बैन कर देना चाहिए सीलिंग फैंस को। वेल, हमारे साथ इस वक्त राखी बिल्कुल लाइव है, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। राखी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो आपने इतनी शानदार सी एक प्रपोजल दी है, कहा है कि फैन को, सीलिंग फैंस को बैन कर देना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस सुझाव को जो आपने दिया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, 99.1% जो लड़कियां हैं सब लोग फैन से लटक के सुसाइड कर रहे हैं, और मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रत्युषा ने भी सुसाइड नहीं किया है, उसका तो मर्डर किया गया है, तो बहुत ही इन्वेस्टिगेशन केस हो रहा है। लेकिन मैंने ये इसलिए उठाया है कि फैन बैन कर दो और टेबल फैनर को, सीलिंग फैन को बंद कर दो। बिल्कुल, आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा मैम? देखिए, मैंने एक मुहिम छेड़ी है, मैंने आप यकीन माने सुबह से हिंदुस्तान से मुझे मेरा नंबर ले लेके इतने 500 कॉल आ चुके हैं, और मेरे फैंस ने कहा है, जो मुझे लाइक भी करते हैं और जो नहीं भी लाइक करते, उन्होंने भी मुझे इतना कहा है कि आपका ये कदम बहुत बढ़िया था। उन्होंने ये कहा कि हम लोग बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे, उन्होंने किसी ने भी ये सोचा भी नहीं था, लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ कि कम से कम इतने हिंदुस्तान में एक 10% लोग भी अगर इस बात को गौर करेंगे ना, तो उनमें उनके घर में इतनी जाने बच जाएगी। ट्रस्ट मी, सीलिंग फैन को हटा के टेबल फैन रखें, अमीर लोग हैं वो एसी रखें, एंड जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एसी, वो सीलिंग फैन को हटा के टेबल फैन रखें, चाहे दो टेबल फैन रखें। बिल्कुल, लेकिन राखी मैम, ये भी हम जानना चाहेंगे कि फैन छोड़कर भी बहुत सारे जरिए हैं जिसके थ्रू सुसाइड किए जा सकते हैं, तो आप उन सब पे क्या कहेंगी? देखिए, अब कोई किसी कैसे सुसाइड कर सकता है तो उसका तो मैं नहीं बता सकती ना, जितना मैं कर सकती हूँ अवेयरनेस ला सकती हूँ समाज में, उतना मैं कदम उठा रही हूँ ना। बिल्कुल, आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो जैसे आपने कहा वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सही बात की है। कुछ कहना चाहेंगे कोलकाता में जो आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, उन सभी से कुछ कहना चाहेंगी? मैं कोलकाता के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं राखी सावंत हूँ, मेरे पास खाकी मेरे पास पावर नहीं है, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, मैंने फिर भी कदम उठाया है विदाउट एनी पावर। आप सोचे अगर मेरे पास पावर हो, मेरे पास पावर हो तो मैं कितने अच्छे समाज के लिए कितनी अच्छी चीजें कर सकती हूँ। अगर आज ये स्मृति ईरानी जी कहे तो लोग मानेंगे, तालियां बजाएंगे। आज ये हमारी ममता जी कहे तो लोग मानेंगे, ये कदम लोग उठाएंगे, डेफिनेटली उठाएंगे, और क्योंकि वो समाज के भले के लिए है। मैंने इससे किसी को कोई बुराई नहीं, हाँ किसी एक नया कदम है, लोगों को इसलिए सोचना होगा, अगर वो अपनी पिता अपनी बेटी से प्यार करता है, माता अपनी बेटी से प्यार करती है, भाई अपनी बहन से प्यार करता है, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो अपने घर से सीलिंग फैन हटाएं और टेबल फैन रखें, क्योंकि ये पता नहीं कब आप घर से बाहर निकल जाए और कब आपको एक लाश लटकी हुई मिले फैन से। तो इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है, प्लीज रिमूव सीलिंग फैन एंड टेबल फैन रखें। बिल्कुल मैम, प्रत्युषा बैनर्जी के बारे में कुछ कहते जाइए, उन्हें हम बहुत मिस करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? प्रत्युषा बैनर्जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैंने अभी एक बंगाली फिल्म बनाई है, बंगाली, मैं प्रत्युषा को उस फिल्म में भी लेने वाली थी, पावली दाम, प्रतीक बब्बर और इंद्रनील को लेकर एज ए प्रोड्यूस किए मैंने बंगाली फिल्म, बहुत ही जल्द आपके सामने वहाँ पे बंगाली फिल्म कलकत्ता में मैं रिलीज करूंगी, और इस फिल्म के लिए मैं पहले प्रत्युषा को ही कास्ट करने वाली थी, लेकिन वो शूटिंग में बिजी थी, तो मैं पावली दाम को लिया इस फिल्म के लिए, यू नो। तो मैं कलकत्ता के लोगों को कहना चाहती हूँ, प्लीज लव योर फैमिलीज एंड रिमूव सीलिंग फैंस एंड प्लीज ब्रिंग ये टेबल फैन। थैंक यू सो मच राखी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आवाज सिन्नन अदर देन हम सब की फेवरेट राखी सावंत की, जिनके साथ हमारी बातें हुई थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे, एट द गन टोटल फन।